जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RPL में। साथियों, हम देख रहे हैं UP SSSC पेट की क्लासेस और पेट में हम हिस्ट्री का मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपको बता दें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता दूँ कि इसके पहले की क्लास आप कैसे देख पाएंगे, तो आपको जाना होगा हमारे प्लेलिस्ट में या फिर उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप साथियों प्लेलिस्ट पे जाते हैं तो आपको दोस्तों ऐसा प्लेलिस्ट दिख जाएगा जिसमें आपको ये दिखेगा कि UP SSSC पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स। तो इस पे आप जाएंगे तो आपको एक क्रम में लगी हुई सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी, जिसे आप देख करके पेट की क्लासेस देख करके दोस्तों अपना तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप दोस्तों UP SSSC वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम लगा है तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिएगा, हिंदी में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, और अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं साथियों, ये आपके लिए ये हिंदी की बहुत ही बेटर क्लास होगी। तो हिंदी यूपी पुलिस के लिए आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा मेरे साथियों, क्या आप अगर यूपी स्पेशल पढ़ना जा रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, आप इस वाले प्लेलिस्ट को एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। साथियों, आपको पता है कि मुगल साम्राज्य में सबसे पहले कौन आता है दोस्तों, तो बाबर आता है। ठीक है, देखिए अगले वाले वीडियो हमने क्या देखा था, बाबर के बारे में देखा था। बाबर आता है, ठीक है, 1526 में। ठीक है, बाबर के बाद दोस्तों उसका बच्चा क्या होता है, हुमायूं। हुमायूं साथियों, ठीक है, और हुमायूं आपको पता है हुमायूं का दो शासन काल होता है, क्योंकि शेर शाह सूरी दोस्तों इसे भगा देता है। ठीक है, निर्वासित कर देता है शेर शाह सूरी। तो हमने उस वीडियो में बाबर के बारे में पढ़ा, हुमायूं के बारे में पढ़ा और शेर शाह सूरी के भी बारे में पढ़ लिया है। अगर हम देखते हैं कि तीसरा मुगल शासक दोस्तों, तो आपका अकबर हो जाएगा। ठीक है, और अकबर को दोस्तों महान कहते हैं, वो आप लोग देखते होंगे, पढ़ते होंगे। ठीक है, क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब देखने वाले हैं अकबर के बारे में पूर्णतया। ठीक है, देखिए अकबर के अगर हम काल की बात करें कब से कब तक था, तो आपको बता दें कि 1556 से 1605 ईस्वी तक दोस्तों अकबर का कार्यकाल था। क्या था, अकबर का कार्यकाल था। देखिए अब अगर हम अकबर के जन्म की बात करें तो अकबर का जन्म दोस्तों अमरकोट के राणा वीर साल, क्या राणा वीर साल के महल में दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 को होता है। अब आपको स्टोरी याद होगी कि साथियों क्या होता है, जब हुमायूं शेरशाह सूरी से बचने के लिए दोस्तों अपने घोड़े समेत दोस्तों नदी में कूद जाता है और उसको एक घिस्ती बचाता है, और दोस्तों जब ये कूद करके घिस्ती बचाता दोस्तों तो ये चला जाता है, कहां पर जाता है, तो आपको पता होगा हिंदाल के पास जाता है। ठीक है, और वहां पर दोस्तों ये क्या करता, शादी करता है। ठीक है, शादी करता है किससे दोस्तों, हमीदा बानो बेगम से। ठीक है, और उसके बाद साथियों फिर वहां से वो निकलता है और कहां पहुंचता है, राणा वीर साल के महल पर दोस्तों, और वहां साथियों अकबर का जन्म होता है। तो याद आ गई होगी आपको स्टोरी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अकबर का जन्म होता कहां पर, तो राणा वीर साल के महल में साथियों। ठीक, कब होता है, तो 1542 में। माता कौन होती साथियों, तो हमीदा बानो बेगम। पिता कौन होंगे, तो वो पहले बता चुका हूं दोस्तों कौन थे, तो हुमायूं थे। कौन थे, पिता हुमायूं थे। ठीक है, अकबर के पिता कौन, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं पिता कौन, तो आप बताओगे बाबर। ठीक है, चलिए अब देखिए 1551 का समय आता है। 1551 में गजनी का सूबेदार बनाया गया, किसको, अकबर को, और उसके संरक्षक के रूप में दोस्तों पहले मुनीम खां को बनाया गया। देखिए जब ये दोस्तों जब गजनी का सूबेदार था ना, तो इसका संरक्षक दोस्तों मुनीम खां को बनाया था दोस्तों, और आगे चल के ना इसका संरक्षक, देखिए जब आगे चल के दोस्तों इसको क्या राजा घुस कहता है ना, तब दोस्तों इसका संरक्षक बैराम खां को बनाया था, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो दो संरक्षक थे। ठीक है, और देखिए जब दोस्तों 1551 में क्या होता है, गजनी के सूबेदार बनाया था और उसका संरक्षक कौन बनता, मुनीम खां। ठीक है, उसी समय दोस्तों ये हिंदाल की पुत्री थी, क्या हिंदाल की पुत्री थी दोस्तों, क्यों, रुकैया बेगम, क्या रुकैया बेगम दोस्तों, चचेरी है ना, मतलब कि ये पुत्री थी जिससे इसने शादी कर लेता, किससे, रुकैया बेगम, देखिए अभी रुकैया बेगम से शादी कर लेता है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाएगा कि अकबर के प्रथम गुरु कौन थे, तो याद रखेंगे अकबर के दोस्तों एक गुरु थे अब्दुल लतीफ, क्या अब्दुल लतीफ दोस्तों ईरानी विद्वान था, बहुत ही तगड़ा विद्वान था दोस्तों, जो कि अकबर को
पुस्तकें दोस्तों, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ पढ़ के सुनाता था, ठीक है। अकबर को बहुत सारी नॉलेज कौन देता था, तो ईरानी जो विद्वान था, जो इनका गुरु था, क्या नाम था, अब्दुल लतीफ, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब आगे समय बीतता साथियों, और अकबर का संरक्षक कौन था, अकबर का संरक्षक कौन करता था दोस्तों, बैरम खां। देखिए बैरम खां दोस्तों इसका संरक्षक था, इसको संरक्षण में था, क्योंकि दोस्तों बहुत ही छोटे उम्र में क्या होता है, मुगल शासक बन जाता है, ठीक है, मुगल बन जाता है, मुगल का बादशाह बन जाता है, इसीलिए दोस्तों इसके संरक्षक में, इसकी रक्षा के लिए बैरम खां को नियुक्त किया जाता है। और आपको बता दें कि अकबर के संरक्षण किस कौन, बैरम खां, ठीक है। देखिए 10 फरवरी 1526 में ईंटों का दोस्तों सिंहासन बनाकर इसको क्या करता है, बादशाह घोषित करता है। किसको, अकबर को दोस्तों, ईंटों के सिंहासन पे दोस्तों बिठा करके इसको बादशाह घोषित कर दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि कलानौर में मात्र दोस्तों कितने उम्र का होता है अकबर जब इसका होता है, तो दोस्तों 13 वर्ष 4 माह की उम्र में मुगल का ताज पहना देता है, यानी कि 13 वर्ष की उम्र में ही दोस्तों ये गद्दी संभाल लेता। आप खुद सोच देखिए 13 की उम्र में दोस्तों क्या दिमाग होगा किसी के पास, ठीक है, और ये गद्दी पे बैठ जाता है। इसीलिए दोस्तों इसको संरक्षक की आवश्यकता पड़ती है, बैरम खां इसके संरक्षक होता है। चलिए अब दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, समझिएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच होता है दोस्तों, समझिएगा यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच होता है। और इस युद्ध को किसने देखा, तो आरिफ दोस्तों कंधारी ने दोस्तों इसको लाइव देखा। जैसे आप देखते ना कि महाभारत को किसने देखा था, तो संजय है ना, उसी प्रकार दोस्तों अकबर और हुमायूं के मध्य जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है दोस्तों 1556 में, इसे अपनी आंखों से यानी सजीव कौन देखता है दोस्तों, तो आरिफ कंधारी। देखिए एक चीज मैं बता दूं कि हेमू दोस्तों ना बहुत बड़ा शासक था, बहुत ही महान शासक था दोस्तों, अफगान की तरफ से लड़ता था, ठीक है। और आपको बता दें कि इसके पहले दोस्तों हेमू कभी कोई युद्ध हारा नहीं था, लगभग 22 युद्ध जीते थे दोस्तों। और ये युद्ध दोस्तों हुमायूं मतलब समझ सकते हैं ना कि किसी गलती कारण दोस्तों हार गया था, जीता दोस्तों युद्ध किसी गलती से दोस्तों ये हार गया था, थोड़ी सी गलती से ये हार गया था दोस्तों, इसके भाला लग जाता और वहीं पे दोस्तों इसकी मृत्यु सी हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ही दोस्तों महान शासक था, आपको पता होना चाहिए कि भैया 22 युद्ध लगातार जीता था हेमू, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखिए बैरम खां को लगता है दोस्तों, देखिए जो बैरम खां को ना इसकी अकबर की धायमा होती अनगा, वो कहती इसको आप कहाँ करते, इसको भेज दीजिए मक्का उक्का भेज दीजिए ना, क्योंकि दोस्तों अब बैरम खां दोस्तों उसको लग रहा था कि हम अपने बेटे को बनाए ना, तो इसीलिए दोस्तों इसकी धायमा होती अनगा दोस्तों, इसको समझ में आता दोस्तों, ये कहती है अकबर से कि भैया इसको मक्का भेज दो, इस जाइए ये पवित्र जो स्थल है वहां के दर्शन करके आए, इसको दोस्तों मक्का भेज देते बैरम खां। और आपको बता दें कि बैरम खां को दोस्तों दुश्मनी होती किससे, मुबारक खां से। और दोस्तों वो इंतजार किया करता बैरम खां का, और 1561 में मुबारक खां द्वारा बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। और देखिए जैसे ही बैरम खां की हत्या की जाएगी, क्योंकि आपको पता है बैरम खां की शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे, समझ गए, तो देखिए बैरम खां की हत्या हो जाती है, तो दोस्तों उसकी विधवा पत्नी का नाम क्या होता है, बैरम खां की पत्नी का नाम क्या होता है, सलीमा बेगम, जिससे दोस्तों अकबर फिर से विवाह कर लेता। मतलब बैरम खां के मरने के बाद उसकी बीबी से भी निकाह कर लेता कौन, अकबर। और उसका दोस्तों बैरम खां का एक पुत्र होता है अब्दुल रहीम, क्या अब्दुल रहीम, उसको अपना बेटा मान लेता और अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि देता। आपने सुना होगा कि अब्दुल रहीम का पूरा नाम क्या है, अब्दुल रहीम खाने खाना, और इसके नवरत्न में से एक है। तो अब्दुल रहीम किसका बेटा था, बैरम खां का बेटा था दोस्तों, ठीक है, उसको किसने अपना पुत्र मान लिया था, अकबर ने दोस्तों, ठीक, और उसकी मां को अपनी बीबी मान लेता है और इसे खाने खाना की उपाधि देता है, ठीक है। और दोस्तों 1560 से 1562 दोस्तों स्त्रैण शासन होता है, जिसको हम पेटीकोट सरकार भी कहते हैं, पेटीकोट शासन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इस समय दोस्तों जिसकी धायमा थी अनगा, जिसके कहने दोस्तों अकबर किसको, बैरम खां को मक्का भेज देता, तो उन्हीं का शासन चलता है, ठीक है। और आपको बताया दोस्तों कि अकबर द्वारा किए गए कुछ काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके परीक्षा में दोस्तों निरंतर पूछ ले जाते हैं, कभी ना कभी पूछ ही ले जाते हैं, तो याद रखेंगे 1562 दोस्तों दास प्रथा को समाप्त कर देता, किसको, दास प्रथा का अंत 1562 में। तीर्थ कर दोस्तों, तीर्थ करने जाते थे ना लोग, उन पे कर लगाया जाता था मुगल शासन द्वारा, उसे समाप्त कर दिया। जजिया कर समाप्त कर दिया, ब्राह्मणों पे लगाया जाता था ना, ब्राह्मण द्वारा, ठीक है, सॉरी ब्राह्मणों पे लगाया जाता था, मतलब कि जो गैर मुस्लिम थे दोस्तों उन पे जजिया कर लगाया था, उसको समाप्त कर दिया। और 1572 में इबादत खाना का निर्माण किया दोस्तों, इसको याद रखेंगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों कैसे याद करते हैं,
दतीजा लिख लेते हैं, दतीजा है ना, दतीजा करके याद रख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। दतीजा, दस से दोस्तों दास कर, और ती से दोस्तों तीर्थ कर, और जा से जजिया कर, कब? 62, 63, 64 यानी 15, 62 में दस से दतीजा, दस से दास प्रथा, और ती से दोस्तों तीर्थ कर, और जा से जजिया कर, तो 62, 63, 64 यानी दतीजा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध होता है दोस्तों, देखिए बहुत ही खतरनाक युद्ध था, ठीक है, याद रखेंगे 1556 में, ठीक है, अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच और दोस्तों महाराणा प्रताप के बीच दोस्तों ये युद्ध होता, भयंकर युद्ध था। आपको पता होगा कि साथियों अकबर की सेना बहुत बड़ी थी और महाराणा प्रताप की सेना बहुत ही कम थी, मगर साथियों आपको बता दें कि कभी भी अकबर महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाया, ठीक है, यानी समझ सकते हैं कि राणा प्रताप कभी हारे नहीं थे और अकबर दोस्तों कभी जीता नहीं था, ठीक है। आप कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप के सीने में इतना दम था दोस्तों कि पूरे मुगल शासक को हिला कर रखते थे दोस्तों, ठीक है। अकबर कई बार इनके पास प्रस्ताव भेजता कि आप हमसे हमारे साथ मिल जाइए दोस्तों, हम आपको आधा भारत दे देंगे, मगर दोस्तों महाराणा प्रताप ने झुकने से मना कर दिया था, ठीक है, और यही शांति हमारे देश की, ठीक है। तो महाराणा प्रताप को दोस्तों आपको नमन करना चाहिए, ठीक, ऐसे शासक हमारे देश में हुए हैं जो कि दोस्तों आप मतलब कि आप लोगों के लिए क्या होते हैं, मोटिवेशन का काम करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखेंगे हल्दी घाटी 1576 में अकबर के सेनापति मान सिंह, ठीक है, मान सिंह का पता है नवरत्न में थे ना, और महाराणा प्रताप, देखिए महाराणा प्रताप से सैन्य नेतृत्व तो किसने किया था, हकीम खान ने, ठीक है, हकीम खान ने किया था, और इनके बीच होता दोस्तों ये युद्ध होता। और आपको बता दें महाराणा प्रताप दोस्तों सिसोदिया वंश थे, किससे, सिसोदिया वंश से संबंधित थे दोस्तों, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, सिसोदिया वंश, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इनकी माता जी का नाम क्या था, महाराणा प्रताप की जयंती बाई, और पिताजी का नाम था उदय सिंह। और आपको बता दें कि इनका दोस्तों घोड़ा बहुत फेमस था जिसका नाम चेतक था, और साथियों हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद, क्या नाम था दोस्तों, राम प्रसाद। आपको बता दें कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती दोस्तों अकबर इसके हाथी को लेकर आता, कैद कर लेता है, ठीक है, और उसको खाने पीने के लिए देता दोस्तों, और मगर दोस्तों जो इनका इनका हाथी था राम प्रसाद दोस्तों वो कुछ भी नहीं खाता, और दोस्तों वो क्या करता है, बिना कुछ खाए दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है, लगभग एक महीने के अंदर दोस्तों उसकी मृत्यु होती है बिना कुछ खाए पिए, जबकि खाने के लिए दोस्तों उसको हर एक चीज देता है अकबर, जो चीज वो खाना चाहता, तो तभी उसे समझ में आता है कि जब हम इसके दोस्तों हाथी को नहीं झुका पाए तो महाराणा प्रताप को तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि उनको हम झुका देते, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारे महाराणा प्रताप जी की, ठीक है। चलिए अब देखते आगे, देखिए अकबर ने 1580 में एक नई प्रणाली शुरू की थी जिसे हम दहशाला कहते हैं, और 1582 में क्या करता है, दीन इलाही धर्म शुरू करता है। दोस्तों याद रखेंगे यहां से क्वेश्चन आता है कि दीन इलाही कब शुरू किया गया, 1582 में, और यह पूछता है कि दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति कौन था, तो बीरबल थे, याद रखेंगे, और बीरबल इनके नौरत्नों में से एक थे। तो 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया गया जिसे 19 लोगों ने अपनाया, जिसमें से एकमात्र हिंदू बीरबल था। और 1583 में दोस्तों प्रयागराज का नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया, और आपको पता है इलाहाबाद से योगी जी ने इसको फिर से प्रयागराज कर दिया, ठीक है। तो आप लोग यह सोचिए कि योगी जी ने नाम बदला दोस्तों, नाम तो अकबर ने बदला था, योगी जी ने फिर से वही पुराना नाम कर दिया, ठीक है। चलिए 1579 में दोस्तों क्या होता है, स्टीफन थॉमस आता है इसके दरबार में, और 1583 में रोल्फ फिज आता है दोस्तों, और आपको बता दें 1583 में ये सीताराम, राम सीता जी के आकृति के सिक्के भी चलाता है। सैन्य अभियान की बात कर ले दोस्तों, तो 1561 में मालवा विजय करता है, और 1562 आमेर, दोस्तों आपको पता होगा ये राजस्थान के जयपुर में पड़ता है, आमेर किला आपने सुना होगा, ठीक है। दोस्तों जो आमेर के राजा थे, कछवाहा शासक थे, कौन थे, भारमल थे, और देखिए भारमल ऐसे भी राजपूत हुए दोस्तों जो कि मतलब समझ सकते हैं ना कि बिना लड़े अधीनता स्वीकार कर लिए, ठीक है, गुलाम बन गए, समझिएगा भारमल उनमें से एक थे। देखिए एक महाराणा प्रताप थे जिन्होंने स्वाधीनता मतलब कि अपनी आज़ादी के लिए दोस्तों उन्होंने संघर्ष किया अंतिम दम तक, ठीक है। आपको पता है घास की रोटी खाते भील जनजाति दोस्तों वो अपने साथ मिला लेते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा मोटिवेशन देते थे, ठीक है। वही एक भारमल है दोस्तों, ये अपने आप मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए अकबर की अधीनता सर्वप्रथम किसने स्वीकार की थी, तो इनका नाम याद रखना भारमल थे भैया, इन्होंने अपने आप अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री की शादी करवा दी अकबर के साथ, समझ रहे हैं। तो याद रखेंगे कौन 1562 में आमेर के राजा कौन थे, भारमल, किस कौन थे, कछवाहा शासक थे, इन्होंने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई जिसको हम जोधाबाई या फिर मरियम उस्मानी के नाम से जानते हैं दोस्तों, उसकी विवाह किससे कर देते, अकबर से। अब देखिए अकबर की तीन शादियां हो चुकी हैं ना, तीन शादियां हो चुकी हैं, पहले दोस्तों हमीना बानो बेगम ना, फिर उसके बाद दोस्तों उससे करता है बैरम खां की वाइफ से, ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों हरखाबाई से,
ठीक है। चलिए तो ये चीज याद रखेंगे, जोधा भाई जो क्या करता है बहुत फेमस है। ठीक है, अब आगे दोस्तों आता है क्या कि गोंडवाना विजय दोस्तों दुर्गावती से, रानी दुर्गावती से दोस्तों गोंडवाना विजय करते हैं 1564 में। 68 में मेवाड़ का अभियान स्वयं दोस्तों अकबर करता। देखिए अभी तक क्या होता था कि अकबर लड़ रहे हैं, उनके सेनापति वो जाते थे युद्ध करने, ठीक है, मगर दोस्तों मेवाड़ के अभियान में अकबर स्वयं प्रदर्शित होता। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 1570 में जैसलमेर बीकानेर को जीतता है और 1571 में गुजरात अभियान करता है और मुजफ्फर तृतीय को हराता है। वहीं 1600 में अहमदनगर और बीजापुर को चांद बीबी जीतता। चांद बीबी बहुत ही मशहूर शासिका थी दोस्तों, है ना। और 1601 में असीरगढ़ किला जीतता दोस्तों। ये अंतिम विजय था, क्या अंतिम विजय था मेरे साथियों अकबर का। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। ठीक, और आपको पता है, ठीक है, ये अंतिम विजय था। चलिए आगे देखते हैं, अब स्थापत्य कला के बारे में बात कर ले अकबर के, तो आपको याद रखना कि फतेहपुर सीकरी आगरा की स्थापना की इसने 1571 में इसे राजधानी बनाता है। ठीक है, इसके पहले दोस्तों इसकी राजधानी लाहौर थी 1550। ठीक, इसके बाद दोस्तों 1571 में दोस्तों इसे बनाता है, फिर उसके बाद दोस्तों ये लाहौर को बना लेता है। ठीक है, और आपको बताते हैं कि फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया। और दोस्तों यही फतेहपुर सीकरी में क्या है, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, मरियम की कोठी और बीरबल की कोठी और जोधा भाई महल भी दोस्तों यही है फतेहपुर सीकरी यानी कि आगरा में। और दोस्तों आगरा का किला का निर्माण कराता है दोस्तों, आगरा किला का निर्माण भी कराता है। और 1602 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर कब करवाता है, तो किसके विजय पर, तो गुजरात विजय के बाद दोस्तों इसे करवाता है ना। और 1583 में दोस्तों इलाहाबाद का किला बनवाता है और अकबर का मकबरा दोस्तों सिकंदराबाद में यानी कि आगरा में दोस्तों स्वयं बनवाया गया। ठीक है, चलिए इसकी मृत्यु दोस्तों 1605 में। दोस्तों यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा था कि अकबर के नवरत्न, देखिए हमने आपको पढ़ाया है कि नवरत्न दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के भी थे ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दोस्तों नवरत्न थे। नवरत्न दोस्तों दो लोगों के हुए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के भी नवरत्न थे वो हमने आगे पढ़ा दिया है। और दोस्तों अकबर के भी नवरत्न है, तो कौन कौन है नवरत्न, मतलब नौ विद्वान दोस्तों, नौ दरबारी, ठीक है, जिनका दोस्तों अलग अलग ज्ञान अपने हिसाब से था। ठीक है, चलिए पहले बीरबल, बीरबल का रियल नेम क्या था, महेशदास था, सबसे बुद्धिमान थे दोस्तों और ये कहानीकार थे, कहानी सुनाते। आपने देखा होगा कि अकबर बीरबल की कहानियां भी प्रचलित हैं। इनका जन्म दोस्तों अपने यूपी के कालपी जिले, जालौन जिले के कालपी स्थान पे होता है। और आपको बता दें कि 1586 में यूसुफ जई जाति के खिलाफ विद्रोह होता, उसे दबाने के लिए दोस्तों बीरबल को भेजा था और यहीं बीरबल की मृत्यु हो जाती है। तो बीरबल दोस्तों सबसे बुद्धिमान थे, कहानीकार थे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे दोस्तों तानसेन दोस्तों, म्यूजिक सम्राट, संगीत सम्राट दोस्तों। तानसेन के बचपन का नाम क्या था, राम तनु पांडे दोस्तों। इन्होंने दोस्तों इन्हें क्या लिखा, मियाँ की मल्हार और राग सारंग दोस्तों इन्होंने लिखा और इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इन्हें दोस्तों अकबर कौन सी उपाधि देता है तानसेन को, तो कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि अकबर देता है तानसेन को। दूसरे दोस्तों तीसरे हैं मान सिंह, ये दोस्तों सेनापति थे। और आपको बता दें कि ये दोस्तों राजा भारमल दोस्तों, आपको पता होगा है ना, राजा भारमल कहाँ के दोस्तों, आमेर के, ठीक है, के पौत्र थे और भगवान दास के पुत्र थे दोस्तों, याद रख लेंगे कौन, मान सिंह। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों टोडरमल, टोडरमल दोस्तों वित्त मंत्री थे। आपको बता दें कि अकबर के वित्त मंत्री, पैसा संबंधी हिसाब और भूमि दोस्तों, भूमि के बारे में जो जानकारी थी सब दोस्तों इन्हीं के पास थी, किसके, टोडरमल के बारे में। ये चौथे हो गए और लहरपुर दोस्तों सीतापुर में इनका जन्म होता है। पांचवें दोस्तों अबुल फजल, आपको बता दें कि ये दोस्तों बहुत ही अच्छे लेखक थे, इन्होंने ग्रंथ लिखा अकबरनामा और आईने अकबरी दोस्तों। और दोस्तों अबुल फजल के बड़े भाई फैजी भी दोस्तों इनके नवरत्न थे, ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत गीता का फारसी अनुवाद किया तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ भी लिखा था। ठीक है, चलिए आगे हकीम मुकाम दोस्तों एक हैं और आठवें हैं मुल्ला दो प्याजा दोस्तों। ये दो प्याज खाते थे इसीलिए इनका नाम मुल्ला दो प्याजा कर दिया गया, ये सलाहकार थे। और नौवें दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना दोस्तों, आपको पता है ये बैरम खां के पुत्र होते हैं जिन्हें दोस्तों अपना पुत्र मानते हुए इन्हें खाने खाना की उपाधि देता कौन, अकबर। ठीक है, और दोस्तों याद रखना कि तुर्की में इन्होंने बाबरनामा नामक ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया था, तुर्की में लिखे दोस्तों बाबरनामा का इन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना दोस्तों। तो ये चीज आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो साथियों यहां से अकबर की वो चीजें समाप्त होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और चीजें देखेंगे आगे, उसके पहले मैं आपको बता दूं एक बार जरूर जाइए प्लेलिस्ट पर, यहां आकर के आप बहुत अच्छे से दोस्तों क्लासेस ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये हिंदी आपके लिए हमने चलाई है, UP SSSC वीडियो के री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो एक बार जरूर आप जाके देखिएगा, पढ़िएगा, और पुलिस के लिए आप यहां से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।